ऐसा 4005 आ रही थी लिच्छु एक्सप्रेस जी। अचानक एक आदमी साइकिल लेके उसके आगे खड़ा हो गया ट्रैक पे। चालक द्वारा लगातार भिसिल बजाया गया और इमरजेंसी ब्रेक लगाया गया। इमरजेंसी ब्रेक लगाते लगाते इंजन के नीचे वो आदमी आ गया, बचा लिया गया। हाँ, उसके बाद गाड़ी रुकी है, उस आदमी को निकाला गया है, फिर 108 एम्बुलेंस को कॉल करके उसे जिला चिकित्सालय। कुछ पता चला कहाँ करने आया? ये अभी अज्ञात है, इस बारे में उसके पास कोई भी मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मिला है जिससे कि पता किया जा सके। क्या नाम है आपका? मुरली मनोहर सिंह। किस पते में? स्टेशन अधीक्षक इंदारा। एक ये क्या मामला था? अभी ट्रेन से कट गया है क्या? मतलब हम प्रोसीड दे रहे थे, गाड़ी लीची पास हो रही थी, तब तक देखे एक बाइक तो क्या पार कर रहा था, क्या कर रहा था, अब हम लोग देखे नहीं, देखे एक बाइक उसमें गिर गया, ड्राइवर मछली लगा लेकिन घायल हो गया उसमें, लाइन के अंदर पड़ा हुआ था, इंजन के अंदर जिंदा था, सांसें चल रही थी उसकी, तो मैंने दौड़ते हुए देखा, सब लोगों की भीड़ लगी हुई थी, सब लोग आरपीएफ से लेकर हर लोग थे वहाँ पे, लेकिन कोई अंदर नहीं जा रहा था, देखे उसका सांस चल रहा है, तो हम अंदर हल गए, घुस गए उसमें, अब उसको निकालने के बाद अब एम्बुलेंस आया। था पता चला कुछ? अभी तो नहीं पता चला कहाँ का है, कोई पहचान नहीं कर पा रहा है, अनजान आदमी था कोई, लेकिन हमारा जो फर्ज है उसको तो पूरा करना है ना। किस ट्रेन से? लिच्छी से है, 4005 से। वहाँ जनता वीडियो बना रही थी मोबाइल से, मगर जनता तो बस जनता क्या काम है, जनता गेन करेगी, बस वीडियो बनाएगी नहीं कि उसको देखें, उसको उसकी जान बचाएं पहले। आप दौड़ के आए तुरंत? मैं दौड़ के आया, पहले देखा उसको तो तुरंत घुस गया मैं, घुसने के बाद उसको निकाला। कहाँ भेजे आप लोग? अब एम्बुलेंस आई है, एम्बुलेंस मऊ जाएगी, मऊ से जाना। पता चला कहाँ कराने वाला है? कोई कुछ नहीं पता चला उसका। कहाँ नाम है आपका? मेरा नाम उदय भान यादव है। किस पद पे है? इंदारा में है, सेंटरमैन के पद पे है।